चौधरी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, आज अपन बात करेंगे पैरामाउंट एग्रो क्लासेस के बारे में कि पैरामाउंट एग्रो क्लासेस में जो बच्चे हैं उनकी क्लासेस चल रही है, तो बच्चे आपको बताएंगे कि एक्चुअल में पैरामाउंट एग्रो क्लासेस उनका जो टारगेट है उस टारगेट के लिए उनको मेहनत करवा रहे हैं। ये एक रूबरू सेशन है जिसमें बच्चे खुद अपने मुंह से बताएंगे कि हाँ हमें किस हिसाब से तैयारी, मैं शेड्यूल बता दूंगा तो आप सोचोगे सर आप तो क्या बताओगे, आपको तो पता है। बच्चे खुद बताएंगे कि हम किस शेड्यूल से इनको तैयारी करवाते हैं। ज्यादा टाइम में लूंगा नहीं, पूरे सेशन में आप जुड़े रहिए। जेट की तैयारी करने वाले छात्रों को मैं फिर बात बता दूं स्टूडेंट्स को कि अगर आप जेट की तैयारी को लेकर चिंतित है कि हम किस तरीके से तैयारी करें, कैसे करें, कहां करें, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप तैयारी कैसे करें, कहां करें, उन सारी चीजों का समाधान है पैरामाउंट एग्रो क्लासेस के पास। साथियों, जो पिछला रिजल्ट आया था उसमें भी पैरामाउंट एग्रो क्लासेस का काफी अच्छा रिजल्ट रहा था और जो सिलेक्शन ले लिए उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके साथ पैरामाउंट एग्रो क्लासेस हरदम हर समय साथ रहेगा, तो आप एक बार जरूर विजिट करें। और अब भी इतने बच्चों की बातें सुने कि एक्चुअल में ये बच्चे बताएंगे आपको कि यहाँ का सिस्टम क्या है। बेटा क्या नाम है तेरा? अच्छा, आप यहाँ किस चीज की तैयारी कर रहे हो? ट्वेल्थ के साथ जेट की तैयारी। साथियों, जो मेरे पास बच्चे हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि विद ट्वेल्थ जेट की तैयारी कर रहे हैं, और जो पिछले सिलेक्शन है वो भी ट्वेल्थ के साथ सिलेक्शन हुए हैं। ऐसा नहीं है कि रिपीटर बच्चे थे या बारहवीं के बाद के बच्चे थे, वो बच्चे थे जो बारहवीं के साथ साथ उन्होंने सिलेक्शन लिया, यानी कि उन्होंने अपनी जिंदगी का एक साल बचा लिया, और उस एक साल में आप सोच सकते हो कितना आगे जाएंगे। बेटा कैसी चल रही तैयारियां? अच्छी चल रही। अच्छा, आपका टाइम शेड्यूल क्या रहता है? साथियों, जैसे कि उन्होंने बताया कि ये स्कूल भी जाते हैं, स्कूल के बाद में टाइम निकाल के अपना जो इवनिंग का टाइम है उसमें ये कोचिंग करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि सिलेक्शन लेने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जिद करनी पड़ेगी। अगर आप में जिद है तो आप सिलेक्शन ले लोगे, बिना जिद के आप कभी सिलेक्शन नहीं ले सकते। हाँ बेटा, तुम्हारा क्या नाम है? अच्छा, आप भी जेट की तैयारी कर? कब से कर रहे हो बेटा? जुलाई से रेगुलर तैयारी कर। अच्छा, रेगुलर क्लास लग रही है? टेस्ट वगैरह लगते हैं? कैसे, किस शेड्यूल के साथ टेस्ट लगते हैं? अच्छा अच्छा, बाकी कोई इशू नहीं है? फैकल्टी को पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है? आपको लगता है सिलेक्शन ले लोगे? कंफर्म? चलो साथियों, आज इस सेशन में मैं आपको बता रहा हूँ कि जो फोटो बैठी है मेरे पास, आराम से फोटो तो नहीं है, खैर जो बैठी है बच्चे स्टूडेंट्स बैठे हैं, आपको याद रखना इनकी फोटो में आपको सिलेक्शन में दिखाऊंगा श्योर, क्योंकि बच्चों का कॉन्फिडेंस मुझे बता रहा है कि मेहनत अच्छी हो रही होगी, अच्छी मेहनत करें भाई आराम से सिलेक्शन ले लेंगे। आपका नाम? कहाँ से? सिक्कर से। अच्छा, आप भी यहाँ जेट की कर रहे हो? तो आप हॉस्टल में रहते हो? नहीं। तो अच्छा, फैमिली रहती है? अच्छा, कैसा लग रहा है आपको यहाँ? अच्छा लग रहा है। अच्छा, कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है कि सिलेक्शन हो जाएगा या वैसे अच्छा लग रहा है? सिलेक्शन हो जाएगा पक्का? कोई इशू नहीं है सिलेक्शन में, कन्फर्म हो जाएगा? अच्छा, अगर इसी हिसाब से आप भी मेहनत करोगे तो आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैं एक ही चीज मानता हूँ कि अगर आपको बारहवीं के साथ कुछ भी अचीव करना है तो उसके लिए आपको बहुत अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो ये बोलते हैं कि सर हम पहले बोर्ड की तैयारी करेंगे, बोर्ड की तैयारी करने के बाद में फिर हम देखेंगे कि हमारे वो जैसे मार्च में पेपर हो जाएगा, मार्च के बाद में अप्रैल मिल जाएगा, मई मिल जाएगा। साथियों, जेट में हमेशा ट्वेल्थ के बाद में आपको ज्यादा से ज्यादा एक महीना, 45 दिन, 2 महीना, 40 दिन इतना सा टाइम मिलता है, इसके अलावा ज्यादा टाइम कभी नहीं मिलता है। तो इसके लिए साथियों आपको रेगुलर बारहवीं के साथ एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, वो एक्स्ट्रा मेहनत आपको हमेशा सिलेक्शन की ओर ही मिलता है। आपका नाम क्या है? आप कहाँ से हो? चूरू। चूरू से? अच्छा, हॉस्टल में रहते हो? अच्छा, तो आप मुझे एक बार बता सकते हैं कि हॉस्टल का शेड्यूल क्या है? हॉस्टल में कोई दिक्कत नहीं है, अपनी कोचिंग है, हॉस्टल है और बहुत बढ़िया। वो तो सबको पता है, ये पैरामाउंट एग्रो क्लासेस का खुद का हॉस्टल है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि हॉस्टल में आपकी तैयारी कैसी चल रही है, रहना खाना पढ़ाई लेके कोई आपको किसी प्रकार की समस्या है क्या? नहीं, हॉस्टल में किसी प्रकार की कोई। सुबह कितने बजे उठाते हैं हॉस्टल में? सुबह 5 बजे। 5 बजे के बाद में? 5 बजे से 8 बजे तक पढ़ाई होती है, फिर 8 से 9 बजे तक 1 घंटा नाना वगैरह नाश्ता करके कोचिंग आ जाते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद में? कोचिंग से 1 बजे जाने के बाद हम खाना वाना खा के 2:30 बजे वापस आ जाते हैं। अच्छा, फिर 2:30 से 9 बजे खाना खाने के बाद फिर वापस 11:30 बजे तक। सेम स्टडी होती है, यानी कि 11 बजे से लेकर 5 बजे तक आप सोते हो? हाँ, सही बोल रहा हूँ। अच्छा, उसके अलावा खाना कैसा मिल रहा है? खाना बढ़िया एकदम, जैसा
घर जैसा खाना मिल रहा है और कोई दिक्कत हो उसमें? ऐसे मत सोचना कि मेरे साथ गोबर आगे सब बैठे तुम्हें तारीफ करनी है, नहीं बेटा। ये सेशन इसीलिए रखा गया है कि कम से कम आप आपकी समस्याओं से मैं बता सकूं। आपको अच्छा लग रहा है तो अच्छा बताओ, आपको लग रहा है कि नहीं सर हमें मजा नहीं आ रहा पढ़ने में, हमारी पढ़ाई नहीं बढ़ तो कैसे? बहुत अच्छी बढ़ी ना, खुद शाबाश। आपका नाम? कहाँ से? अच्छा आप भी हॉस्टल में रहते हो? रूम लेके। अच्छा रूम लेके, तो आप तो रूम पे आपकी मर्जी से पढ़ते होंगे? नहीं, बढ़िया। अच्छा बढ़िया, फैमिली रहती है? फैमिली नहीं, सिस्टर है। अच्छा तो सिस्टर तो पढ़ा देती है आपका? अच्छी चल रही है ना पढ़ाई? मतलब मेरा कहने का मतलब है टाइम टू टाइम बढ़िया हो जाएगा सिलेक्शन पक्का? शुरू से बताया ना? नीम का थाना। अच्छा नीम का थाना, तो नीम का थाना तो जिला ही पड़ गया, तो नीम का थाना जिले से हो आप, पक्का हो जाएगा? आप अच्छा आप कहाँ रहते हो? हॉस्टल में। तो इन्होंने बताया मेरे सिस्टर में हॉस्टल है, आप अलग से बताओ, कोई अलग शेड्यूल बताओ, कोई एक्स्ट्रा चीज इन्होंने भूल गए हो आप बताना चाहिए? सब सही बता रहे हैं, पक्की बात है? चलो गुड। तो आपको लगता है आपका सिलेक्शन हो जाएगा? कंफर्म है? श्योर है? आराम से। साथियों जिस हिसाब से अपने बच्चों से बात की है, बच्चे बता रहे हैं कि सिलेक्शन हमारा आराम से हो जाएगा। अब इसी के साथ मैं एक बार जो पैरामाउंट एग्रो क्लासेस के डायरेक्टर है गोबरा जी सर, तो मैं थोड़ा सा वार्तालाप गोबरा जी से करता हूँ कि गोबरा जी सर कब से तैयारी करवा रहे हैं, अब तक सर के पढ़ाए हुए कितने बच्चे हैं जिन्होंने एग्रीकल्चर फील्ड के अलावा भी सिलेक्शन ले लिया? साथियों एग्रीकल्चर में हम जेट का करवाई रहे हैं, सीयूटी का करवाई रहे हैं, लेकिन इसके अलावा अलग जो है राजस्थान पुलिस हो गया, सीईटी हो गया, एसएससी डीटी हो गया, रेलवे हो गया, उन कॉम्पिटिशन की हम तैयारी करा रहे हैं, जिससे लेटेस्ट में अभी बैच चल रहा है पशु परिसर का। बिल्कुल अभी पशु परिसर का बैच चल रहा है, काफी बैचेज है जो आपको कॉम्पिटिशन के लिए आप कॉम्पिटिशन में तैयारी करते हो, उनके सारे बैच पैरामाउंट एग्रो क्लासेस। तो सर आप कब से हो कि इस लाइन में, जब से आप बच्चों को तैयारी करवा रहे हो, आपको कितने साल का अनुभव है? देखो शायद मैं 2008 के अंदर जेट की एग्जाम दी थी मैंने। अच्छा मेरा जोबनेर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 2008 में सिलेक्शन था। अच्छा फिर मैंने 2013 के अंदर एमएससी के लिए एग्जाम दी प्री पीजी, तो फिर मैंने सोल साइंस डिपार्टमेंट किया, तो वो उसके लिए भी आपको जोबनेर में? बिल्कुल जोबनेर में। अच्छा तो मैं एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ था, मेरी जो बिग ब्रदर है वो भी एग्रीकल्चर से, वो बैंक के अंदर। अच्छा तो उन्होंने मेरे को एग्रीकल्चर के लिए मोटिव। तो सर आप मुझे एक चीज बता सकते हैं कि जिस यूनिवर्सिटी से आपने बीएससी किया, एमएससी किया, अब तक के आपके जो कोचिंग वाला कार्यकाल था, जिसको मैं बोल सकता हूँ, जो टाइम था, जो समय अंतराल था आपका, उसमें आपने जो भी यूनिवर्सिटी में कितने बच्चों का सिलेक्शन करवा दिया? क्योंकि वो यूनिवर्सिटी तो आपके लिए जैसे अपन बोलते हैं मातृभूमि वैसी रही होगी। बिल्कुल मातृभूमि है, चाहे आप उदयपुर ले लो, चाहे आप जोबनेर ले लो, चाहे आप बीकानेर ले लो, और उसके बाद के अंदर सर कोटा और अपने ये जोधपुर यूनिवर्सिटी, ये पांच राजस्थान के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। आप कहीं पर भी किसी भी क्लास में चले जाओ, हर स्टूडेंट अपना ही मिलेगा, हर क्लास में अपना एक या दो स्टूडेंट अपना मिलेगा। लेकिन उसके साथ में आपको एक चीज और बताऊं, जो हमारे से 2012 में जो पढ़ के गया, जो 2013 में पढ़ के गया, 2014 में पढ़ के गया, आज असिस्टेंट प्रोफेसर कोटा में भी है। अच्छा। आपके जोबनेर में भी है, जोधपुर के अंडर के अंदर, जोधपुर में इकोनॉमी स्टेटिक्स के अंदर देख लो, चाहे आप नागौर एग्रीकल्चर कॉलेज देख लो। मतलब इतने साल हो गए तो लगभग कहीं ना कहीं जो एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट में उसके आपके स्टूडेंट लगभग लगभग मिले। बिल्कुल करीब आपको बता दूं 1500 प्लस स्टूडेंट आपको हर पंचायत में कृषि प्रवेशक की सेवाएं दे रहे हैं, गवर्नमेंट नौकरी लग रही है। अच्छा अच्छा तो साथियों मैं एक चीज और बताना भूल गया, इसके अलावा प्री पीजी अपना मोटिव होता है। जैसे आज की इनकी फर्स्ट स्टेज है, प्रथम सीबी है जेट, फिर ये 4 साल बीएससी करेंगे, अब बीएससी करने के बाद ये एमएससी करेंगे, एमएससी करने के बाद कौन सा स्टूडेंट को कौन सा डिपार्टमेंट मिला, तो हम पीजी की भी तैयारी करवाते हैं, पीजी के साथ हम करवाते हैं डब्ल्यूओ की तैयारी, हम बैंक के लिए एएफओ की तैयारी करवाते हैं। भाई बैंक में जो बच्चा जाए, क्योंकि बैंक के अंदर जो बच्चा जाता है सर, किसानों को सुविधा मिलती है केसीसी का ऋण देने के। अच्छा अब जो किसान फैमिली से जुड़ा हुआ अपने पास आते हैं पूरे फैमिली से, जिनके पास पैसा होता है सर, वो नीट की तैयारी है। सही बात, नीट की करते हैं तो या तो आकाश, एलन, कोटा, सीकर वहां जाते हैं, लेकिन अपन एग्रीकल्चर से डॉक्टर बनाते हैं। सही बात, एमएससी के बाद में उनको पीएचडी करनी, पीएचडी में अब इनका एक रिसर्च होता है एमएससी, फिर पीएचडी में चलता है इनका कोर्स वर्क ज्योतिषी से, तो इनके नाम के आगे डॉक्टर लगता है। अच्छा। तो ये कम पानी में ज्यादा पैदावार कैसे करें? अच्छा। तो अब जो जिनको सुविधा ज्यादा नहीं मिल पाती है तो कृषि पर्यवेक्षक बन जाता है,
जिनको सुविधा ज्यादा मिल जाती है वो डबल एओ बन जाता है, उससे ज्यादा अगर उन्होंने एमएससी कर ली तो फिर वो हाँ एओ के लिए अप्लाई कर सकता है, सीड ऑफिसर बन सकता है, और फिर के नहीं मेरे को तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो पीएचडी करेंगे, तो पीएचडी करेंगे। तो सर एक चीज मुझे ये भी बताओ, तो पीएचडी करेंगे। तो सर एक चीज मुझे ये भी बताओ कि जो एग्रीकल्चर का जो स्टूडेंट होता है उसके लिए मेरे हिसाब से सुनने में आया कि प्राइवेट बैंक्स हो गए और प्राइवेट कंपनियां हो गई उनमें भी काफी ज्यादा वैकेंसीज होती है। सर वो आती है प्लेसमेंट, हाँ केमिकल डिपार्टमेंट होगा। हाँ, अगर स्टूडेंट कुछ नहीं कर रहा पुअर है तो उनको प्लेसमेंट में वहां से ले जाते हैं, अरे गवर्नमेंट जॉब में आ जाते हैं। तो सर मैं आज आपको बताऊं जो जोबनेर यूनिवर्सिटी है उसमें 70,000 टैक्स कटता है एक प्रोफेसर, तो उनकी सैलरी आप मान के चलो 1.5 लाख रुपए पर मंथ ले, 70,000 उनकी कट रही है तो 70 डेढ़ को जोड़ेंगे तो 2.25 लाख रुपए सैलरी होती है। तो वो गवर्नमेंट में ही जाएंगे, स्टूडेंट प्राइवेट में क्या करेंगे। प्राइवेट में सैलरी पैकेज क्या होगा, 30,000-35,000। मेरा कहने का मतलब है कि जैसे कोई स्टूडेंट काफी अच्छी मेहनत कर रहा है, क्या पता कई बार ये बोलते हैं अपन किस्मत ने साथ नहीं दिया या उसकी मेहनत में कहीं ना कहीं कमी रह गई तो उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो कम से कम कमाने लायक तो एग्रीकल्चर में बनी जाता है। बिल्कुल सर, प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं वो उनको लेकर जाती है, जो ऐसे सीड की है सीड वाले लेके गए, फर्टिलाइजर वाले लेके गए हैं, तो इनके लिए। इसके अलावा गोगराज सर मेरा आपसे एक सवाल और था कि जैसे मान लो कोई बच्ची है वो 11th क्लास 12th क्लास एग्रीकल्चर से कर रही है, तो क्या गवर्नमेंट का ऐसा कुछ सिस्टम है जिससे गवर्नमेंट उनको स्कॉलरशिप वगैरह प्रोवाइड कर रही है जिनसे की बच्चियों को या बच्चों को कुछ छूट मिल रही हो? पहले तो आप मुझे थोड़ा बता सकते हैं कि स्कॉलरशिप क्या 11वीं 12वीं मिलती है या बीएससी एमएससी में मिलती है? देखो सर, पहले क्या होता था कि लड़कियों को 5,000 रूपये सालाना मिलते थे गवर्नमेंट की तरफ से एग्रीकल्चर वाले। हाँ, अब एग्रीकल्चर में 5,000 को बढ़ाकर 15,000 रूपये कर दिए। अब 15,000 इनको 11th क्लास में मिलेंगे, 15-12th में, फिर इनको फर्स्ट ईयर में अब जेट के थ्रू इनका सिलेक्शन होता है तो फर्स्ट ईयर में इनको मिलेंगे 25,000। अच्छा, 25,000 चार साल तक नहीं मिलते 25,000। हाँ, अगर बच्चा एमएससी कर रहा है तो उसको सर फिर मिलेंगे 35,000। तो सर ये जो जैसे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मिलेगी, जैसे मान लो एक बार एग्जाम्पल के लिए एसके मिलेगी जो भी जी, तो उसमें आप कुछ इनका फीस वगैरह लगता है या पूरी गवर्नमेंट अफोर्ड करती है? नहीं, फीस इनकी लगती है लेकिन रीजनेबल रेट। अच्छा, तो वहां भी कोई स्कॉलरशिप मिलेगी? हाँ, उनको ये स्कॉलरशिप 25,000 से ये मिलती है, ये तो गवर्नमेंट की। फिर वहाँ ट्रस्ट होते हैं। अच्छा, यूनिवर्सिटी से जुड़े जैसे जिंदल ट्रस्ट, तो वो 15,000 रूपए देते हैं, एक दूसरा है वो 20,000 देते हैं, तो इनके पैसा जेब से नहीं लगेगा। अच्छा, स्कॉलरशिप मिलेगी तो इनको बचेगा पैसा। तो साथियों सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर एग्रीकल्चर में बालिकाएं आगे बढ़ना चाहती तो उनका गवर्नमेंट भी काफी अच्छा 50% रेशियो है। अच्छा, जैसे अभी सर ने बताया कि 11th में उनको 15,000 मिलेंगे, 12th में 15,000 मिलेंगे, उसके बाद में जैसे बीएससी में जाएगी तो स्कॉलरशिप मिलेगी, एमएससी में जाएगी तो स्कॉलरशिप मिलेगी, तो लड़कियों के लिए तो चारों तरफ स्कॉलरशिप है, फिर भी लड़कियां एग्रीकल्चर से पीछे है। लड़कों को भी कॉलेज में मिलेगी। अच्छा, लड़कों को भी स्कॉलरशिप मिलती है? ना, स्कूल में नहीं मिलती, कॉलेज में मिलती है। तो साथियों इसी हिसाब से मैं बताऊं कि अगर आप एग्रीकल्चर में आपका